आज मेरा जो टॉपिक दिया हुआ है हम पिरामिड मास्टर्स है। सो पिरामिड मास्टर्स के ये शुरू करने के पहले हम जो एक दो स्लोगन्स मैं बोलती हूँ सब लोग रिपीट करेंगे। जिनको अनम्यूट कर दो ना सबको 2 मिनट्स के लिए। सब लोग बोलते हैं शाकाहार जगत की जय, शाकाहार जगत की शाकाहार जय, जगत की शाकाहार जय, जगत की जय, शाकाहार जगत की शाकाहार जगत जय, की जय, शाकाहार शाकाहार जगत की जय, जगत जगत की की जय, जान जगत की जय, जगत जान की जय, जगत की जय, जान जान जगत जगत की जय, जान की जगत की जय, जान जय, जगत की जय जय, जय, पिरामिड जगत की जय, पिरामिड पिरामिड जगत जगत की जय, की जय, पिरामिड जगत की जय, पिरामिड पिरामिड जगत जगत की जय, की जय, पिरामिड जगत की जय, पिरामिड जगत पिरामिड जगत की की जय। जय, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सर्वे जना जना सुखिनो सुखिनो भवन्तु, लोकान भवन्तु, समस्तान सुखिनो भवन्तु, लोकान लोकान समस्तान समस्तान सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु। अहम सुखिनो ब्रह्मास्मि, अहम भवन्तु, ब्रह्मास्मि, अहम् तत्वमसि, ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा तत्वमसि, ब्रह्मा, अयम अयम आत्मा आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा, नेचर को थैंक यू, नेचर को थैंक नेचर को यू, थैंक यू, हमारे भू माता के लिए थैंक यू, हमारी हमारे भू भू माता के माता लिए, के लिए थैंक अपने यू, पेरेंट्स अपने थैंक यू, पेरेंट्स को पेरेंट्स थैंक यू, हमारे सारे गुरुओं, अब तक जितने भी गुरु हैं उन सारे गुरुओं को थैंक यू, सारे हमारे सारे सभी गुरुओं गुरुओं को को थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज का थैंक सब्जेक्ट है हम पिरामिड मास्टर्स। सो पिरामिड मास्टर्स कैसे कैसे रहना है, कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को उन्नति में पहुंचाते हैं। तो सभी एक एक पॉइंट पॉइंट है मैं जो बोलती हूँ, जिनको चाहिए सब नोट कर लीजिए। जब भी हम लोग क्लास में आते हैं एक बुक और पेन हर वक्त हमारे हाथ में रहना। पुस्तक हस्तभूषण है, मतलब हमारे हाथ में जब हम सुनते हैं लिखने के लिए बुक रखना है, जब हम बोलते हैं बोलने के लिए बुक रखना है, जब कोई भी नहीं है कुछ बुक रख के हमको पढ़ना चाहिए। सो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी चीज हमको अच्छा लगता है फिर हम भूल जाते हैं, जब हम सुनते हैं तभी हम लोग लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं जो चीज सुनते हैं उसको लिखते हैं तब हमारे आंखें देखती है, तभी वो चीज पूरा पूरा हमारे अंदर जाके स्थित हो जाता है। इसलिए हम जितने भी एज हो कोई बात नहीं, एक बुक रखो, एक पेन रखो, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है बिल्कुल अच्छा लिखना, और भी जो चीज अच्छे लगते हैं 3 बार लिखो। 3 बार लिखने से क्या होता है, हमारा दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रिंट हो जाता, थापा थापा हो जाता है। तो इसलिए जो भी चीज आपको करना है तो हमको क्या करना है, पहले आप लिखो, लिख के उसको दिमाग में चढ़ाओ, फिर उसको 3 बार पढ़ो ना, या तो 3 बार लिखो तभी वो सच हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें छोटे अच्छा छोटे चीज है, बोलने में छोटे छोटे चीज है, पर हम करते हैं ना बिल्कुल भी अच्छा होता है। अभी सुमित्रा जी बोला उनका बीमार है, उनको कुछ करना, आप लिखो उनका जो भी पर्सन है उनका नाम, ये बिल्कुल भी हेल्दी है, बिल्कुल भी हेल्दी है, 3 बार बोलो ऐसे लिखो। बिल्कुल हाँ हेल्दी है, बिल्कुल वो जो हेल्दी है, है, हाँ हेल्दी है ऐसे बोलो सब। हाँ ये सब ये हेल्प है हमारा, जो भी हम प्रेयर करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चीजें करो तभी उनको अच्छा ही होता है। फिर उनके खानों में बोलो वो जो बीमारी वो है ना, उनको बोलने को होता है तो उनके उनको मुंह से बुलाओ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, 3 बार उनसे बुलाओ, वो खुद बोलना है। जब हम खुद अपने जो हमको जो भी चीज चाहिए हम खुद 3 बार अपने मन और बुद्धि सब इकट्ठा श्रुति में लेके करते हैं, बिल्कुल वो सच हो जाता है। ठीक है, तो जी अभी हम मैम, क्या देखते हैं, शाकाहार ही हमारा धर्म है, मतलब यस, जो भी पिरामिड मास्टर्स है उनका पहला धर्म क्या है,
शाकाहार। शाकाहार। हाँ, क्यों शाकाहार है? मतलब शाकाहार का मतलब जीव, शाकाहार से जीव हिंसा से हम दूर है, हम अहिंसा मार्ग में है। जब भी जो भी हम, आप लोग किसी भी रिलीजन में देखो, कहीं भी देखो, आपके गुरु, आपके मंदिर में, आपके जो भी जान पहचान वाले गुरुओं को देखो, सब लोग शाकाहारी ही है। हम बुद्ध भगवान को बोल सकते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं, राम राम जी को बोल सकते हैं, गुरु नानक जैसे कितने भी गुरु लोग हैं, योगी हैं, महान हैं, उन सबको देखते हैं, उनका पहले चीज क्या है? शाकाहार। शाकाहार में भी वो क्या और भी क्या फॉलो करते हैं? मतलब शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक का मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पका हुआ भी नहीं खाते वो लोग। बहुत बहुत महान लोग क्या खाते? पका हुआ चीज भी नहीं खाते, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ऐसे ही खाते, उसको बोलते हैं शुद्ध शुद्ध सात्विक, सात्विक आहार बोलते हैं। तो पहले हमको शाकाहारी बिल्कुल एकदम से फॉलो करना है, तभी हम उस अच्छे विषय के पिरामिड मास्टर उस जगह का प्राप्ति के लिए हमको क्या बोलते हैं, आप तैयार हो जाएंगे। पक्षियों को, जानवर को हिंसा करके उनको मार के हम पेट भरेंगे, पेट तो भरेगा भाई, पर कितना कर्म हम लोग जोड़ते हैं, कितना पाप हम लोग अपने आप पे डालते हैं, वो सब क्या है? पर आंखों को नहीं दिखता है, पर ये सब जो पाप है वो कर्मा कहाँ जाता है? पूरा हमको ही भुगतना पड़ता है ना, एक पेट के वास्ते, नाक जिह्वा के रुचि के वास्ते, ये जो पाप हम करते हैं उसको पहले फिर भुगतना है। कैसे भुगतेंगे हम? अभी देखो, एक छोटा सा सिर में दर्द होता तो कितना हम तड़पते हैं, तभी इतना जीव हिंस करते हैं तो हमको कितना तड़पना होगा। ये सब चीजें, वो सब ज्ञान हमको है, हमारे पास है, तो हम कभी भी जानवरों के पीछे जीव हिंसा नहीं करते। तो पहले चीज है आपको पिरामिड मास्टर बनने का पहला चीज क्या है? शाकाहारी बनना। पत्री जी भी क्या बोला? पहले शाकाहार जगत। तो इसलिए फर्स्ट हमको ध्यान में आए ना आए, आपको जरूर 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 शाकाहार बनना, ठीक है? तो पहला चीज ये मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वन, ध्यान ही हमारा वृत्ति है। जो भी पिरामिड मास्टर्स हैं उनका वृत्ति क्या है? ध्यान। हमारा शरीर में जो भी डिजीज, बीमारियां होता है, उसका मूल का कारण क्या है? हमारा दिमाग। हमारा दिमाग में कोई बुराइयां है, भय है, संदेह है, आंदोलन है, असूया, द्वेष, तत्व, ये जो सारे सारे अनवांटेड चीजें जो भी हम दिमाग में लेते हैं, उस चीजों के साथ, उसी के वजह से हम बीमारी पड़ते हैं। बीमार बाहर से कुछ नहीं है, हम अपने आप को बीमार करते हैं। ये सारे चीजों के वास्ते हम बीमारी बन जाते हैं। अभी हमारे शरीर में बीमारियां, मानसिक बीमारियां, ये सभी चीज होते हैं, तो हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। पूरा दिन डॉक्टर के पास जाओ, बीमार के लिए दवाइयां लो, कुछ भी करो, ये करो वो करो, फिर भी होता है रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में क्या होता है? पहले पहले हमारा नाड़ी मंडल शुद्धि होता है। नाड़ी मंडल शुद्धि का मतलब क्या होता है? सिर से लेके पाँव तक हमारे जो बीमारियां है कहीं कहीं स्थित होता है, वो सारे चीज ध्यान शक्ति एक एक करके सारे बीमारियों को क्लीन करती है। जैसे हम घर बाहर सभी क्लीन करना मानते हैं, हर रोज हम क्लीन करते हैं, जहाँ पे भी कुछ पेंटिंग सभी अच्छी नहीं है, पेंटर को बुलाते हैं, यहाँ पे पेंट लगवाना है, हमारे घर पे शादी है, वो है, सब लोग आएंगे, सब देखेंगे, क्या बोलेंगे, हमारे घर को ठीक रखना है, सभी ठीक रखना है, ये सब हम सोचते हैं, पर कभी भी नहीं सोचते हमारा दिमाग ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, कभी सोचते हैं क्या? क्योंकि वो सबको दिखाई नहीं देता है, अंदर है ना, तो कोई देखते नहीं।
ऊपर मेकअप लगाओ, अच्छी तरह ड्रेस बांधो, बस हो गया। हमारा अंदर का देखने का, अंदर का सफाई है ध्यान, बुद्धि का सफाई, दिमाग का सफाई, हमारा शरीर का सफाई ध्यान है। आप घर का सफाई रोज करते हो, दिमाग का सफाई करते हो, कितने लोग करते हो दिमाग का सफाई रोज? एक ही, दो, तीन, बस इतना ही। अरे भाई, घर का सफाई करो तो भी, करो या ना करो, कल भी कर सकते हो। पर दिमाग का सफाई नहीं किया तो दिमाग में ऐसे ही डस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है। दिमाग का सफाई करना है, वो दिमाग का सफाई ध्यान है, ठीक है? तो पहले ध्यान करके हमारा दिमाग को साफ सुथरा रखना है, हमारा शरीर को साफ सुथरा रखना है। जब हमारा शरीर और मन बुद्धि सभी साफ सुथरा रहता है, हम सबको प्रेम स्वरूप से, प्रेम से देखते हैं, सबको समझ सकते हैं, सबके मन में क्या है, सब हमारे पास सब लोग बहुत अटैचमेंट से रहते हैं। अभी अभी मैं नहीं हूं, जो मैंने बोला आप सबको अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग क्यों? रहा है। क्योंकि मैं साफ सुथरा हूं, मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि और मेरा शरीर साफ सुथरा है। तो यहाँ पे मैं साफ हूं, तो जब मैं कुछ भी बोलती हूँ आप सबको अच्छा लगता है, ठीक है? वही बात है, आप सबको अच्छा लगना है तो पहले अपने आप को साफ सफाई से रखो। वो अपने आप को साफ सफाई से रखने का क्या मार्ग है? क्या मार्ग है? ध्यान। हाँ, वही है। तो आप ध्यान करते तो पहले अपने आप को साफ सफाई से रखते हो। घर बार साफ सफाई रखने से जो भी मेहमान आते बोलते आप घर अच्छे रखे हो, बस और कुछ नहीं होने वाला उससे। पर हम अपने आप को साफ सफाई रखते हैं तो हमको आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद मिलता है। ब्रह्मानंद आप पैसों से खरीद सकते हो क्या? नहीं मैम नहीं। हाँ, तो ब्रह्मानंद आप ध्यान से खरीद सकते हो। आप ध्यान करो, आपको ब्रह्मानंद आसानी से मिल जाएगा, मुफ्त मुफ्त में मिल जाएगा। तो इसलिए हमको ध्यान बिल्कुल 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 कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज सोचता, आज मेरा घर में फंक्शन है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाना है, वहां जाना है, घर में रिश्ते कोई भी आ गए, आज मैं ध्यान नहीं करना। हम ध्यान कितने देर करते हैं? बहुत हुआ तो भी 1 घंटा, आधा घंटा करते। वो 1 घंटा आधा घंटा को भी हम ऐसे ऐसे चीज बोल के हम लोग स्किप कर देते हैं। तो क्या होगा? उस दिन आपका सफाई नहीं हो रहा है। आप भले नहीं कितना भी नहा लो, ऊपर से अंदर का साफ सफाई होगा क्या? मैम आप जितना भी सेंट लगाओ, कुछ भी करो, अंदर का सफाई नहीं होने वाला है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, अंदर का सफाई नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अंदर का सफाई करना है ध्यान। तो अंदर मैं पूछती हूँ, हर रोज ध्यान करने के बाद आपका गुस्सा ठीक हुआ? यस आपका बुद्धि में शांति हुआ? हुआ यस मैम मैम। यस हाँ, मैम कैसे हुआ? क्योंकि आप रोज, हर रोज साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे डस्ट नहीं है। तो डस्ट नहीं है तो आपको बुद्धि तेज है, आपका मन शांत है, ठीक है? तो इसलिए यस कभी भी ध्यान को नहीं छोड़िएगा। आपको इतना मैम अच्छा ग्रुप मिला है, इतना अच्छा ग्रुप मिला, तो इस ग्रुप में जुड़ के आप बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं, ठीक है? एक दिन भी स्किप मत कीजिएगा, सब लोग कीजिएगा। अगर आपकी यहाँ पे ग्रुप में फ्रेंड्स है, अगर एक दिन वो नहीं आए तो फोन करके बुलाओ, आ जाओ ग्रुप में, सबको बुलाना। जो भी नहीं आते बिल्कुल मत छोड़ो, आ जाओ। यही बिल्कुल है ओबीडियंट स्टूडेंट है सच्ची ये हेल्प। सारे। हाँ, यही है सच्चा सच्ची संडे हेल्प के है। दिन भी पूछते हैं कि आज ध्यान है या नहीं है। संडे दिन हाँ छुट्टी रहता है तब भी ये लोग कॉल करके पूछते हैं आज ध्यान क्यों नहीं हो रहा। तो हाँ हाँ सिंसियर तो संडे आप रिलैक्सेशन क्या मिलता है करना मैम। है, संडे भी आप ऑन करके म्यूजिक डाल के छोड़ दीजिए। कोई क्लास नहीं हो तो क्लास को छुट्टी दे दीजिए, पर मेडिटेशन को छुट्टी नहीं देना। आप म्यूजिक डाल के ओके छोड़ दीजिए, यस मैम
ऐसे कीजिए, क्योंकि जो हाँ जो लोग तैयार है, आप मना नहीं करना है, आपको मना नहीं यस करना, तो यस किसी और को इंचार्ज रखो संडे में। संडे को आप छुट्टी ले लो, सुमित्रा जी को एक संडे दिन छुट्टी दे नहीं दीजिए, किसी और इट्स ले लीजिए, जस्ट ओके मीटिंग। मैम, आई विल हैंडल। आपको है क्या, मर्जी है, ठीक है, वेरी गुड यस यस सुमित्रा जी, गुड। यस तो संडे खाली म्यूजिक मेडिटेशन कर दीजिए, क्लास नहीं चाहिए, ठीक जी है, ऐसा कर पूछ लीजिए। जब भी जो भी मास्टर नहीं आ पाएंगे, जब भी सकते कोई है नहीं, कभी हेम्प्टी है, तो पूरा 1 आवर मेडिटेशन में बैठ जाइएगा, हैं। ऐसा ओके कीजिए, यस ऐसा मैम। करो। और नेक्स्ट है, हमको ध्यान 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 करना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान के अलावा हमारा शरीर मन बुद्धि कभी ठीक नहीं होने वाला है, कभी क्लीन नहीं होने वाला है। हम जितना भी ध्यान करते हैं, उतना उन्नति उन्नति में जाते ही रहते हैं, इससे ज्यादा उन्नति हमको कोई भी नहीं दे सकते। अपने आप को ध्यान देते हैं तो आप खुद को गिफ्ट दे रहे हो, इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं है इस धरती में। ध्यान के अपने आप को ध्यान देते हैं तो इतना, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को पिरामिड शक्ति को देना, ये दोनों ही बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। उससे उसके नेक्स्ट पिरामिड्स, पिरामिड्स के बारे में मैंने पिछले बार बोला था, तो यस पिरामिड्स है हमारा आलय, मतलब मंदिर। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मन की शांति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सबकी भलाई के लिए जाते हैं। जब हम पिरामिड के बैठ के ध्यान करते हैं, ये सारे चीज घर बैठे बैठे पिरामिड के नीचे सब मिल जाता है हमको, क्योंकि पिरामिड्स है शक्ति क्षेत्र। कितने कितने लोगों के पास पिरामिड है? सुमित्रा जी, अभी तो आपके नहीं, पास? अभी किसी के तो पास नहीं नहीं मैम, है? सब लोग, अभी सब मैं सोच, लोग अभी मैं मोबाइल अपना रूप में ऑर्डर बनवाने की डालिए। सोच रही हूँ मैम, हाँ अपनी रूप में अभी मैं पिरामिड बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। हाँ घर पे, सबके घर पे पिरामिड रहना चाहिए। जी कितने घर पे, कितने लोगों के घर पे पिरामिड नहीं है? आज ही मंगाओ सब लोग, आज ही ऑर्डर करो सब, एक साथ ऑर्डर करो सब, मंगाओ, क्योंकि पिरामिड के बिना नहीं चलेगा। पिरामिड के बिना आपका, आज ही मैंने बोला नंद रंगा जी मंगाओ। को कि पिरामिड भेजिए, हाँ पिरामिड सुगर वैली से भेजिए, बट नहीं, वो आज ही उन्होंने बोला कि मंगाओ, अमेजोन सबके से ले लो। पैसे दे देना तू, सबके ओके ओके, बाद में, पैसे। हाँ लास्ट में सभी क्वेश्चंस मैं अपने जनरल सबके क्वेश्चंस पैसे दे पूछूंगा। देना, सब मंगवा लेंगे। हाँ, मैं सभी डिटेल्स आपको भेजती हूँ, ठीक है? मेरा नंबर भी नोट कर लो, मैं, आप सभी मुझे मैसेज भी करो, मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ, क्योंकि पिरामिड को जरूर घर पे रहना है। मैं एक लास्ट बार में मेरा पिरामिड है पिरामिड मैम, भी बताती हूँ, मैं फोटो भी भेजती हूँ मैं आपको, जो पिरामिड के बिना यस अपना अपना वो जो फॉरवर्ड होना स्लो होता है। जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं, 3 घंटा ध्यान 1 घंटा में हमको हो जाता है, मतलब 3 घंटे में जितना ऊर्जा मिलता है, जितना उन्नति मिलता है, 1 घंटे में पिरामिड के नीचे हमको मिल जाता है। जब भी हम तो 1 घंटा ध्यान से 3 घंटे का प्रैक्टिस हमको हो जाता है, 3 घंटे का एनर्जी मिलता है, 3 घंटे का उन्नति हमको मिलता है, तो इतना फास्ट हमारा प्रयाण फास्ट हो जाता है ना, तो इसलिए सबके घर में पिरामिड होना चाहिए। यस और नेक्स्ट, अपना सांस ही अपना गुरु। क्यों अपने गुरु बोलते हैं? मतलब गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब हमारा मार्गदर्शी, हमको आध्यात्मिक प्रयाण में हमको अपने क्या बोलते हैं, अपने रूट रूट बराबर दिखाते हैं। हम इधर उधर घूमे बिना सीधा हमारे मार्ग में चलने का हमको, रास्ता, हाँ, हमारा हमको रास्ता रास्ता दिखाते हैं। तो इस रास्ते राइडर। आने वाले हम अपने सांसों को अपने गुरु मानते हैं, क्योंकि हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है, हम जल्दी ही आत्मस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो क्या खुलती क्यों नहीं हो? आत्मस्थिति में पहुंचने के लिए हमारे पास मार्ग कोई दिखाई नहीं सकते है, देयर इज नो एड्रेस,
यहाँ पे भौतिक स्थल में एड्रेस नहीं है आत्मस्थिति पहुंचने में, पहुंचने के लिए। अपने सांसों के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तभी आत्मस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम अपने सांसों को अपने गुरु मानते हैं। और गुरु के पास कैसे रहना चाहिए? भय, भक्ति और सरेंडर, सरेंडर की भाव से रहना चाहिए। जब आपको संगीत सीखना है, एक गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाके क्या करना है? हम हाथ जोड़ के हम भक्ति भाव से बैठेंगे, तभी गुरु आपको अच्छे सिखाते हैं। वैसे ही है हम ध्यान, ध्यान कैसे करना है? भक्ति से, हम इन्वॉल्वमेंट से, सरेंडर से, सरेंडर कर अपने आप को अर्पित करना है, ध्यान को अर्पित करना है, तभी आपको बहुत सारा मिल सकता है। सब लोग बोल जब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप है इसलिए आते हैं, कुछ लोग दूसरे लोग बोले हैं इसलिए करते हैं। अपने आप जब आप ध्यान के लिए आप अपने आप को अर्पित करते हैं, तभी ध्यान का पूरा पूरा भलाई आपको मिलता है। अपने आप को अर्पित करो, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जब आप अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, सब कुछ भूल जाए, अपने सांस, अपने उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास निश्वास के साथ जुड़े रहना। बस कुछ भी नहीं, दिमाग में कुछ चलता है उसके पीछे मत जाओ, बाहर का आवाज सुनाई देता है उसके पीछे मत जाओ, किसी के पीछे भी डाइवर्ट नहीं आना, खाली बस हमारे उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास, अपने आन और अपान के साथ ही जुड़े रहे और कुछ नहीं करना। तभी अपना गुरु सांस, अपना गुरु थोड़े ही ब्रिथ्स, मतलब या 20 या 30 ब्रिथ्स, आप सोच लो 20 या 30 ब्रिथ्स आप इससे जुड़े रहते हैं, उससे नेक्स्ट आप आत्मस्थिति में पहुंच जाते हैं। उस आत्मस्थिति में आपको सांसों के पास, तब आपको सांस भी देखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने गुरु आपके मार्ग में पहुंचा दिए, आपके डेस्टिनी आ चुका है। हम अब आत्मस्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा डेस्टिनी में हम चले गए। डेस्टिनी आने के बाद सांसों का जरूरत नहीं है, ठीक है? जब हम उसी स्थिति में घंटों 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 बैठते हैं, उसी को बोलते हैं ध्यान, निर्मल स्थिति, समाधि स्थिति, उसी को बोलते हैं निर्मल समाधि स्थिति। वो सभी उस स्थिति में हम जितने देर भी रह सकते हैं, तभी हमारा उन्नति होता है। उस स्थिति में रहना है। हम अपने, हम यहाँ बैठते हैं, पूरा पूरा हमारा ध्यान म्यूजिक में रहता है, पूरा पूरा इसी में रहता है, वो ध्यान नहीं होता है। वो वी आर ट्राइंग ट्राइंग टू गो इनसाइड द मेडिटेशन, बट इट इज नॉट मेडिटेशन। हम ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, पर जब वो स्थिति है, हमको बाहर का कुछ सुनाई नहीं कुछ भी सुनाई नहीं देंगे। हम कौन है, हम लेडीज या जेंट्स है, कुछ भी हमको याद नहीं रहता। वो स्थिति में हमको रहना चाहिए, वही करेक्ट मेडिटेशन स्टेट है। उस स्थिति में रहना चाहिए। जब हम आंखें खोलते हैं तभी हमको याद होना है मैं चंद्रकला। जब तक हम मेडिटेशन में रहते हैं, टाइम के बारे में, अपने शरीर के बारे में, मन के बारे में, घर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहना, बिल्कुल। ध्यान में रहते हुए तो अपनी बॉडी भी नहीं दिखती है। हाँ, वही है ध्यान स्थिति। बॉडी नहीं दिखती है, मन नहीं दिखती, कुछ भी नहीं। मतलब मैं एक लड़की हूँ, वो भी याद नहीं रहना। उस यस स्थिति ही ध्यान स्थिति है। उस स्थिति में आपको 1 घंटा 2 घंटा बैठना, तभी उन्नति होगा। यस यस, इस स्थिति के पहुंचने के लिए हमारा गुरु सांस के साथ जुड़ के रहना। म्यूजिक डिस्टर्ब नहीं, तो आप म्यूट में बैठ जाइए, म्यूट डाल के बैठ जाइए, उसमें क्या। तो हमारे श्वास ही अपने गुरु करके हमको याद रखता है। आत्मशास्त्र ही अगला है। आत्मशास्त्र हमारा एजेंडा, मतलब आत्मशास्त्र का मतलब आत्म के बारे में शास्त्र, साइंस, साइंस ऑफ आत्मा। व्हाट इज आत्मा? आत्मा क्या होती है, आत्मा का उन्नति क्या होता है, आत्मा के बारे में कैसे समझना, वो सभी जो साइंस आप सीखते हैं उसी को आत्मशास्त्र, सोल साइंस बोलते हैं। उस साइंस को हम बिल्कुल हमको समझना है।
उसी से हमारा उन्नति होता है। आत्म के बारे में ज्ञान हमको लेना चाहिए। हम सब चैतन्य पदार्थ है, चैतन्य से बने हुए हम, वो सब चीजें हमको याद रहना। मैं खाली ये शरीर ही नहीं हूँ, खाली ये मन ही नहीं हूँ, मैं आत्म चैतन्य, चैतन्य के साथ मैं रहती हूँ। हम जब भी चैतन्य रूप से हमको अपने आप को देखना है, वी आर कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस है हम लोग, उस चैतन्य है, उस चैतन्य करके हमको दिमाग में उस नॉलेज रहना चाहिए। हम लोग जब भी देखते हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए वो चाहिए, ऐसा ही सोचते, पर आत्म के लिए क्या चाहिए वो नहीं सोचते। आत्म के लिए केवल आप ध्यान दो बस, बाकी सब इसके इसी में मिल जाते हैं आपको। और नेक्स्ट है बुद्धत्व, हमारा आकांक्षा, मतलब बुद्धत्व हमारा इच्छा है। अच्छा तो बुद्धत्व के लिए ही हम लोग ट्राई करना है। मतलब बुद्धत्व का मतलब यहाँ रिलीजियन नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनना, बुद्धत्व का मतलब रिलीजियन नहीं है, मतलब हम मुक्ति का स्थिति जो पाते हैं उसी को बुद्धत्व बोलते हैं। बुद्धत्व का मतलब बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास को ही बुद्धत्व बोलते हैं। जब बुद्धि का विकास होता है, आपको क्या क्या समझ में आता है? अभी यहाँ जो सब लोग है, सबका बुद्धि विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। बुद्धि विकास हुआ सभी, जब बुद्धत्व के लिए हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, बुद्धत्व के लिए ट्राई करने के लिए ही हम लोग यहाँ आए, ध्यान करते हैं, तो ये सारे चीजें सुनते हैं, सारे चीजें समझते हैं, तभी हम सब समझ के सभी यहाँ पे स्टोर करते हैं। जब स्टोर करने के बाद क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते 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 धीरे 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 हम बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। बुद्धत्व का मतलब हिंसा नहीं करने का, पहला चीज। बाद में अच्छे सोच, अच्छे कर्म, अच्छे वाक, अच्छे बोल, ये सारे चीज ही बुद्धत्व का क्वालिटीज है। मैत्री भाव, सबके साथ फ्रेंडशिप रहना, मतलब केवल मनुष्य से ही नहीं, एक जानवर से फ्रेंडशिप, एक पेड़ पौधे से फ्रेंडशिप, एक पक्षी से फ्रेंडशिप, एक छोटे छोटे जीवों से फ्रेंडशिप। बुद्धत्व का मतलब मैत्री, मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप, सभी के साथ फ्रेंडशिप रहना। आप सब लोग मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मैं आपसे मैत्री करती हूँ, आई एम फ्रेंडली विथ यू, फ्रेंडशिप से अभी मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज बुद्धत्व। जो भी लोग आपके हो, आपको मालूम है नहीं मालूम है, सबके साथ एकता, एकता भाव, मैत्री भाव, इसी को बुद्धत्व बोलते हैं। ये मैत्री भाव को आपको बढ़ाना है। ये सब चीजें पहले हम सुनते हैं, फिर अनुभव करके, हमको भी ऐसे ही रहना चाहिए, तभी आपको बुद्धत्व के बारे में पता चलता है। तो बुद्धत्व ही हमारा इच्छा है। अगले है ध्यान प्रबोध आत्मरंजन। हाँ, अभी ध्यान प्रबोध मतलब ध्यान की प्रचार करना। अभी इस ध्यान से मैं इतनी अच्छी 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 चीजों हमें मिले हैं, तो मैं अकेला अच्छी चीज लेके मैं ऐसे नहीं बैठना है, मुझे बोलना है सबको। मैं इतना अच्छा, अभी मैं जो क्यों आई यहाँ पे, मैं इतने अच्छा, ये 20 सालों से मैं टीचिंग करती हूँ, मतलब मैं ध्यान ध्यान के माध्यम से बहुत सारे मुझे मिला है, मुझे हेल्थ मिला है, दिमाग में शांति मिला है, मेरे घर में बाहर में सब भी मुझे अच्छा यह बहुत मिला है। इसलिए मैं आती हूँ, सबको सिखाती हूँ, सबको मैं सभी देती हूँ। आपको भी ध्यान से कुछ भी मिला है उसको आपको बांटना चाहिए। अगर आपको सिर दर्द है, आप ध्यान किया, आपका सिर दर्द गया, तो आपको क्या करना है, ध्यान को पहले थैंक यू करना है, फिर यही ध्यान को आप सबको बताना है, आप भी करो, बताना मुझे अच्छा हुआ, आप भी करो ध्यान। आपको सिखाना पड़ेगा, प्रबोध करना है, ध्यान का प्रचार करना है। दैट इज द ग्रैटिट्यूड वी आर शोइंग टू मेडिटेशन।
मेडिटेशन ने इतने सारे चीजें मुझे दिया, मैं क्या उसके बदले मैं दे सकती हूँ? यही है, मैं इस मेडिटेशन को सबको सिखाऊँ, यही मुझे देना है। ठीक है, तो ध्यान प्रबोध ही हमारा आत्मरंजन। अभी मैं ध्यान प्रबोध करती हूँ, मेरा आत्मरंजन हो रहा है, मतलब मेरा आत्म उन्नति हो रहा है। मैं आत्म उन्नति के लिए पर्सनली मुझे कुछ नहीं करना है। जो चीज मैंने सीखा है, जो चीज मैंने अनुभव किया, जो चीजों से मैं उन्नति प्राप्त हुई, उस चीजों को मैं आप सबको बताना है मुझे। आप सबको बताने के बाद क्या होता है, मेरा आत्मरंजन हो जाता है। कितना आसान है ना, कुछ नहीं है। जो आपने प्राप्ति किया, वो प्राप्ति जो किया उस सबको बताओ, सबको ध्यान करवाओ, बस बहुत आसान है, आपका आत्म उन्नति हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शाई टाइप होता है, मैं ध्यान किया मुझे अच्छा हुआ, भाई मैं तो कुछ किसी से बात नहीं करती, मुझे तो बात करना पसंद नहीं, मैं तो किसी से नहीं बोलने वाली। ऐसा मत रहिए, आपका आत्म उन्नति होना है, आपको मुंह खोलना है, बोलना है। जो भी लोग उनको समझ में आए वो लोग ध्यान में आएंगे, जो लोग समझ में नहीं आए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कर्म आने नहीं देंगे उनको। ठीक है, यस अपना अपना चाहता रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बोलना है, हूँ हमको यस बोलना है। देखो अभी यहाँ पे 40 40 लोग हैं या 45 लोग हैं, आपको क्या करना है, रोज एक नए नए मेहमान को यहाँ पे लेके आना है। रोज आप आते हो, आप करते हो, इससे बस नहीं है, आप लोग सभी एक एक लोगों को यहाँ पे जुड़ाना है। यू शुड ऐड देम, सबको यहाँ पे ऐड करना है, तभी आपका उन्नति होगा। आप जितना भी ध्यान करो उन्नति होगा, पर इतना, जब आप एक आदमी को ध्यान सिखा के यहाँ पे लेके आते हो तो आपको इतना उन्नति होता है। आपको इतना उन्नति बस है, कोई इतना उन्नति बस है, ज्यादा भाई ज्यादा उन्नति मोर चाहिए तो सबको फिर सिखाना। मैं तो मांगे सिखा रही, मुझे बहुत सारा उन्नति, मेरा मोर आत्म हाँ उन्नति सारा सही चाहिए मुझे, तो मैं इसीलिए सिखाती हूँ। आत्म उन्नति के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको ऐसा आना पड़ेगा। जो भी मैं चीज बोलती हूँ ये सभी मेरा अनुभव है, मैं कुछ बाय हार्ट करके नहीं बोल रही हूँ, ये सारे चीज मेरा अनुभव है। जो मैं टाइटल देख रही हूँ, टाइटल तो देख रही हूँ, तो पूरा जो भी बोलती हूँ मेरा अनुभव है। ठीक है, तो अगले चीज है सत्य। सत्य के साथ हमको रहना चाहिए, कभी भी पैसों के लिए या नाम नाम वो चीज ये चीज के लिए असत्य में नहीं जाना है हमको, क्योंकि सत्य में रह के ही हमारा उन्नति होगा। जब हम असत्य के साथ देते हैं, आपको पैसा मिल सकता है, नाम मिल सकता है, पर ये सब स्थिर नहीं है। आप सत्य के साथ जुड़े रहते हो, मुश्किल होने पर भी सत्य के साथ जुड़े रहते हो, तभी आप उन्नति प्राप्त करते हो। सत्य को कभी छोड़ना मत। सत्य क्या है, जो नित्य है वही सत्य है, आत्मा नित्य है, ज्ञान नित्य है, आत्मा के साथ जुड़े रहना वही सत्य है, आप ज्ञान के साथ जुड़े रहना वही नित्य है। हर वक्त आप अपने चेतना से रहना है, कॉन्शियस, आपके कॉन्शियस सत्य है। ये सारे चीजों को पहले दिमाग में लेना, उन सारे चीजों के साथ हमको रहना, फिर आत्मस्थैर्य। हम लोग कोई भी परिस्थिति हमको आ जाए, कभी भी हमको हिचकिचाना नहीं, हाँ टेंशन नहीं, कोई भी नहीं। अभी आपको एक सिचुएशन आया, बहुत मुश्किल का सिचुएशन आया, जब बैठ के जोर जोर से रोना, सबको फोन करना, ये सब नहीं करने का, क्योंकि जो भी चीज आपको आता है ये हमारा कर्म है। ठीक है, जो कर्म आते हैं पहले क्या करना है, एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद क्या करना है, उससे हम लोग बाहर कैसे निकलना, दिमाग से सोचो। आपको बुद्धि है, अभी आप ध्यान करते हैं तो आपका बुद्धि तेज है,
आप बैठ के सोचो, किसी का हेल्प नहीं चाहिए, सभी आंसर्स हमारा बुद्धि में है। मम्मी से पूछना मत, सास ससुर से पूछना मत, पति से नहीं पूछना है, अपने बुद्धि से पूछो। जो भी प्रॉब्लम आपको है आप अपने बुद्धि से पूछो और आप अपने डिसीशन लो। उसी को बोलते हैं आत्मस्थैर्य। उस आत्मस्थैर्य कभी भी आपके पास है तभी आपको कुछ नहीं होगा। कोई भी आपके पास आके आपको हिला नहीं सकते। जो भी सिचुएशन है आपको आत्मस्थैर्य से रहना। जो भी आपको चाहिए सभी आप अपने बुद्धि में बुद्धि से पूछो। कोई भी बाहर के आपके फ्रेंड किसी से भी मत पूछो, आपके बुद्धि है। जब भी जो भी चीज आपको आता है आपके अंदर ही जवाब है। जब आप उस जवाब से जुड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, फिर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आत्मस्थैर्य। आत्मस्थैर्य से रहना है सबको। ये सभी है पिरामिड मास्टर्स को क्वालिटी। मित्रत्व, अगेन फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप, एक पेड़ पौधा, एक पक्षी, एक जानवर, मनुष्य, लेडीज जेंट्स सबके साथ फ्रेंडशिप। पत्री जी बोलते सबको माय डियर फ्रेंड्स, पहले अब क्या बोलते, माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद माय माय डियर डियर फ्रेंड एंड मास्टर्स, मास्टर, उसके बाद बोलते माय डियर गॉड्स। सो पहला पड़ाव है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को सब आप सभी को आपके पत्नी को फ्रेंड्स फ्रेंड की तरह देखियो हो, तभी आपको पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। आपका पति के यस साथ फ्रेंडशिप से रहो तभी झगड़ा नहीं होगा। सास ससुर से फ्रेंडशिप से रहो, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप से रहो, सभी के साथ मित्रता से रहोगे ना, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंड नहीं होगा। जब आप फ्रेंडशिप सबके साथ फ्रेंडशिप, नो रिलेशनशिप, जो भी रिलेशन हो रहने दो, पर आप फ्रेंडशिप के नजर से देखोगे, उनको समझ पाओगे। सबको फ्रेंडशिप के नजर से देखो, जो भी हो, बड़े छोटे, आपके हिसाब के लोग, जो भी हो फ्रेंडशिप के नजर से देखो। आपका सोचने का ही डायमेंशन ही बदल जाएगा। सबको फ्रेंड्स की तरह देखो, तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी किसी के पास से भी इतना भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है। आपको जिनसे जिनके एक जो भी रिलेशन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले क्या करना है, उनसे फ्रेंडशिप करो। सो जब फ्रेंडशिप करते हैं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे चला जाता है, सब लोग बहुत वो भी फ्रेंडशिप करने लगते। तो फ्रेंडशिप से, मित्रता से क्या मिलता है, एंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट एंजॉय करते हैं हम लोग। किससे एंजॉय करते हैं, हमारे जितने भी फैमिली रिलेशंस हो, हम अपने फ्रेंड के साथ कितना एंजॉय करते हैं ना। यस तो वही फ्रेंडशिप हम सबके साथ करेंगे तो हमारा जिंदगी में सबके साथ एंजॉय करेंगे ना। यस मैम सिंपल लॉजिक बिल्कुल है ये। सिंपल लॉजिक सभी हम पत्री जी से ही सीख सकते हैं, और कोई नहीं सिखाएंगे ये सब। सो मित्रता, मित्रता से रहना है। निराडंबर मतलब मैं ये हूं, मुझे इतना बड़ा बंगला है, कार है, ये है, मैं इतना पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक सिनी स्टार हूँ, मैं एक गायकी हूँ, वो है, ये है। ये निराडंबर नहीं रहना चाहिए। अब जितना भी अभी वो मैं 20 ईयर्स से मैं सिखाती हूँ, मैं एक बड़ा मास्टर हूँ। आपसे मैं नहीं बात करती हूँ, मैं आपसे मेरे आप छोटे हैं, आप आजी आइए, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। सबके साथ समानता, सब लोग समान से, इक्वलिटी, इक्वल से रहना है सबके साथ। वो निराडंबर, आपको जितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, आप क्या बोलते हैं, हायर दिखावा नहीं वर्ल्ड्स करना। में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक डॉक्टर हो, एक लॉयर हो, आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, ऊपर जाओ कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर क्या देखते हैं, इसलिए मर्यादा देते हैं। मतलब आप कितने आत्माओं को उन्नति में पहुंचाए, उनको ही यहाँ पे सम्मान मिलता है ऊपर।
आप यहाँ जितना भी उद्धार करो, आप एक पॉलिटिशियन हो के उद्धार करो, डॉक्टर हो के उद्धार करो, कुछ भी करो, यहाँ पे भौतिकता में ये सारे चीज जो करके आप ऊपर जाते हो, आपको बिल्कुल पलट के भी नहीं देखेंगे वो लोग आपको। जब सेवा करते हैं, जब बुद्ध भगवान का डेथ हुआ, आकाश से फूलों का वर्ष हुआ था, ऐसे हमको जहाँ जो हम आत्म उन्नति के लिए हेल्प करते हैं, आप जो अच्छा ही पाए वो सब स्प्रेड करते हैं, तो आप ऊपर जाते हैं, आप आपको माला मर्यादा से हारती उठाकर आपको वेलकम करते हैं ऊपर, ठीक है। तो उसी को निराडंबर, यहाँ पे बिल्कुल निराडंबर नहीं रहना चाहिए आपको, एकदम सबके साथ कोई भी कुछ भी हो, आपको ज्वेल्स, इतना ज्वेल्स है, वो है, ये है, कुछ भी नहीं, आप सिंपल, सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी फॉलो करो, सिंपल रहो, सबके साथ सिंपल बोलो, वो निराडंबर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वो है सहज लक्षण है। और विनय, विनय का मतलब जो भी बड़े हो छोटे हो सभी को मर्यादा देना, जी बोलिएगा, जी स्वामी जी आप आइए बैठिए, जब आप घर पे मेहमान आते हैं उनको कैसे आदर करते, वैसे सबको, आपको जो भी मालूम है, बुरा लोग है, अच्छे लोग है, बड़े लोग है, छोटे लोग है, किसी के भेदभाव के बिना सबको इक्वालिटी से, उन सभी के साथ विनय पूर्वक बात करना, रिस्पेक्ट ठीक है। समस्त जीव कोटि को अपने मित्र 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 सूद्र मित्र जैसे, कोई भी ऊंचाई कोई भी नीचाई नहीं, सभी के आत्म उन्नति उन्नति में सभी का। अभी मैं ऐसे चंद्रकला पैदा हुई हूँ, मेरा इस जन्म से कितना मैं उन्नति हो रही हूँ, एक पक्षी भी उस जन्म में उन्नति हो रही है, एक एनिमल भी वहां पे उन्नति हो रही है, तो कोई भी जन्म नीचा ऊंचा नहीं है, सभी सारे जन्म एक ही है, सब लोग उन्नति के लिए अपने जन्म लेते हैं, तो ये सारे ज्ञान हमको रहना, यही पिरामिड मास्टर्स है। तो पिरामिड मास्टर्स का बहुत सारे हैं, मैं सब सब शॉर्ट में बोल दिया, अभी मैं मेरा प्रसंग कंप्लीट करते, कोई किसी को भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए, अभी बीच में कुछ लोग पूछ रहे थे, मुझे मालूम नहीं, वो पूछ सकते हैं अभी। अच्छा लगा मैंने जो बोला, हाँ अच्छा यस लगा मैम, मैडम। बहुत थैंक यू। अच्छा अच्छा होता है मैं इसको इस दिन को प्रवचन अच्छा होता है मैडम। हमको देश को अन्नदान करता है हमको हाँ पिरामिड का हम मास्टर को हम कर के दान करेगा अच्छा होगा है ना। हाँ बिल्कुल हाँ उसने हमको तुमको देगा और उसको उसको देगा उसको पैसा नहीं आत्मविश्वास वृद्ध होगा। हाँ, ये दान धर्म से भी होता है, पर हाँ हमको ध्यान करना है उससे, उसके साथ हमको ध्यान भी करना है, ये सब ज्ञान भी सुन के हमारा दिमाग में लेना है। केवल दान धर्म से उन्नति नहीं होता है, ये सारे चीज इकट्ठा करना है, ठीक है। थैंक अच्छा स्वामी यू, और इसमें विवेकानंद स्वामी विवेकानंद में ध्यान करेगा हाँ बहुत भाषा में बोलेगा हमको ध्यान करेगा हमको हिंदी में बोलता छोटे छोटे से बोलता हो तमिल भी बोलता हो बोलता सीखता रह सीखता हो इस सारी भाषा में सीखे। आपका क्या भाषा है? आपका भाषा मराठी मराठी, अच्छा, मुझे नहीं मालूम है। हाँ तमिल भी हाँ सीखना रहा है आता सारी। है तमिल वर्मा, हाँ वरुम मैडम ओ वेरी गुड, थोड़ा छोटा छोटा आता है तमिल थोड़ा, बोल नहीं हाँ आता है। कुंज कुंज वरो, हाँ कंज कंज वरुम ठीक हाँ वेरी गुड, यस यस यस, थैंक यू, हाँ थैंक यू मैम। खूब ध्यान करो, खूब खूब यस गिरी जी सेवा आज करो, का आपको अच्छा लगा होगा ओ मैम बहुत अच्छा लगा सभी मास्टर अच्छा को लगा थैंक्स बोलता वो। यार।
मैम अमावस्या सोमवार का अमावस्या दिन ध्यान करेगा वीडियो नहीं आया है मैडम। इसको चक्र में स्वच्छ करने का बोलेगा। मैं भेज दूंगी आपको। ठीक सारी वीडियो आता है सोमवार को अमावस्या ग्रहण एक हुआ था दिन का ना। वीडियो नहीं हुआ था, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। कोई हाँ वीडियो नहीं, ऑलमोस्ट सभी वीडियो है आज और वहीं पर। हाँ उस दिन अच्छा होता है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया सोमवार। था। तो होता वो अच्छा होता, बट उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो इसीलिए उस दिन नहीं हुआ। वो ब्रजभूषण जी का रिकॉर्डिंग था, तो और उस दिन सुमित्रा रिकॉर्डिंग। जी, जी सुमित्रा जी, मैम, मेरा मेरा जो पहला क्लास का और ये क्लास का जो रिकॉर्डिंग है मुझे भेजना। जी मैम, ठीक है। पहला का भी भेजा नहीं है मुझे। हाँ पहला मैंने भेजा नहीं, भेजे मैं अभी भेज दूंगी दोनों का। मुझे भेजना है, ठीक है। और हाँ किसी को कोई डाउट मैं है तो तो आपको पूछ ले। बार बार रिमाइंड कराती हूँ मैम सर को, इनका चंद्र कलर मैम चाहिए अभी। हाँ, जी आती हूँ आती हूँ। क्या है उसमें, क्या है? जहां हाँ भी ज्ञान चाहिए, नंबर जितना सेव भी मुझे मालूम है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और किसी को डाउट है? हाँ किरण जी, बोलिए। अभी अभी उन्होंने नेक्स्ट सेशन के लिए भी बोला, मेरे से पूछा कौन कौन मास्टर आपको बेटर लगा। मैंने आपका नाम सजेस्ट किया, हाँ, शोभा मैम जी हैं, तो मैंने कहा मुझे अपनी पर्सनल उसमें पूछोगे तो मैं जो मेरे को जो लगा मैं उनके लिए बता रही हूँ। बाकी सभी मास्टर अच्छे हैं, कोई ठीक ऐसा है। मास्टर नहीं है कि कोई कम है या कोई ज्यादा, पर अपनी अपनी लाइफ होती है, हर एक आदमी का अपना पसंद होता है। और वे ऑफ थैंक टॉकिंग है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बात करने वाले हैं रंगनाथ जी। हाँ, ठीक है। यस प्रीति जी बोलिए, वीडियो में आइए। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मेरे को ये पूछना था, अगर पिरामिड हम अमेजोन से मंगवा लें तो प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, अमेजोन में हमारा जो गोल्डन हैंगल है बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। आप पिरामिड, मैंने पहले भी सुमित्रा जी को कोई कुछ मैंने लिंक दिया था, लिंक भेजा था, पर मैंने सर से बात भी किया था कि हाँ, सर बीस से, पिरामिड क्योंकि जिसको चाहिए तो BSSM से ही कैसे आप मंगवा, खरीदो, जो लेकिन भी सर ने लोग वही हैं, बोला कि आप अमेजोन से ले लीजिए कि नहीं, जो इतना भी लोग आने में हैं बहुत। सभी PSSM पिरामिड मास्टर से ही पिरामिड्स खरीदो, क्योंकि अमेजोन में बराबर नहीं रहता है। हाँ वही सर ने बोला मैम, रंगनाथ सर ने बोला कि आप पीरा उसी से ले लो अमेजोन से, क्योंकि यहाँ से इतना दूर से भेजने में बहुत वो आप लगेगा। सब लोग कहाँ पे और हो? एक नहीं, मैं एक अभी नंबर सब देती लोग हूँ। अलग अलग है। हाँ हाँ मैम अलग अलग कहाँ कहाँ से हो? सभी नॉर्थ इंडिया है गुड़गांव, ना? महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मैम, कोई कोई महाराष्ट्र अरे से, कोई इंडिया में दिल्ली से, तो कोई इजीली, इंडिया में, या मुंबई में, कहीं पे भी आपको इजी मिल जाता है। आप जी मैम। मेरा नंबर मैं चैट में डालती हूँ, मुझे मैसेज, जिसको भी पिरामिड के लिए डिटेल जी चाहिए, मुझे मैसेज करो, फोन मत करो प्लीज, मुझे ठीक मैसेज है करो, मैं मैसेज को रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। कोई जी मैम। भी मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज। मैं मैं फोन उठाती सभी नहीं हूँ। मास्टर मैं मैम का नंबर सभी को दे दूंगी, मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगी नंबर। ये है मेरा नंबर, जिसको चाहिए नोट करो। नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ, क्यों? एक मिनट। मैडम व्हाट्सएप में डालेगा नंबर आएगा। ये यस मेरा यस नंबर यही है। नंबर व्हाट्सएप नंबर है मास्टर। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी बोलना चाहते हैं तो आपको वॉइस मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, टाइपिंग का भी नहीं चाहिए, आप वॉइस मैसेज करो, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। सारे मुंबई में पिरामिड्स है, सभी डिटेल्स भी मैं भेजती हूँ, मुंबई का और सबका मैंने ऑलरेडी भेजा है। मेरे मैम दिल्ली लास्ट का, लास्ट सेशन में दिया था मैंने, हाँ, फिर आप है मैंने ना, ग्रुप पे डाला था। यहाँ सुमित्रा जी, आप है ना, हफ्ते बार एक एक बार उसको ग्रुप में डाल दो।
मैम लास्ट टाइम भी डाला था मैंने ग्रुप में आपका, आपने जो सभी का दिया था सब डाला था। हाँ सभी डालो और फिर से रिपीट करो, क्योंकि सब लोग हर वक्त नहीं देखते है ना, तो इसलिए जी मैम आपने ठीक है, रिपीट करो। ओके मैम दिल्ली मैम। गुड़गांव का है कुछ? दिल्ली गुड़गांव में है पीएसएम, सारे दिल्ली गुड़गांव पिरामिड सेंटर, में, क्योंकि सब पिरामिड सब जगह सेंटर। में है। आपको जो भी आपको गूगल करना चाहते हो, पीएसएम करके नियर बाय लोकेशन गूगल करके देखो, तो खुद को पता। वो ऑनलाइन भेज देंगे। हाँ ऑनलाइन भेज देंगे। ओके मैम, गुड़गांव का मतलब कहाँ है, किस नियर बाय दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया? दिल्ली? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा वहां पे बस। हरियाणा में, गुड़गांव में तो है मैम पीएसएसएम का वो, मिल जाएगा आपको पीएसएसएम पीएमसी, से वो आशीष भाटिया जी चलाते हैं पीएसएसएम। वसंता जी है वहां पे। वसंता जी के पिरामिड गए क्या आपने? नहीं मैम, मैं संता जी से बात नहीं, मैं संता जी का नंबर चैट में लिख दीजिए। मैं देखती या हूँ जहाँ जो भी पिरामिड्स मुझे मालूम है, मैं सभी सुमित्रा जी को भेजती हूँ, और जिनको जी पर्सनली मैम, चाहिए मुझे खुद मुझे मैम मैसेज आई करना। आई पिरामिड चाहिए था मुझे आईज हाँ के लिए भी, मेरे को जो मैन का थोड़ा मेरे को आई का प्रॉब्लम है, तो मुझे चाहिए पिरामिड। तो सर ने वही बोला अमेजोन से ले लो, अमेजोन से मैन का लेने का कुछ सीख नहीं लगा। ठीक है। यस रामनाथ जी बोलिए। नमस्ते मैडम नमस्ते, जी। बैंगलोर में कहाँ पर मिलेगा मैडम ये पिरामिड? बैंगलोर में पिरामिड वैली है ना, हारहली, व्हाइट व्हाइट फील्ड। हारहली करके आप नेट में जाके देखो, यूट्यूब में जाके पिरामिड वैली इंटरनेशनल आपको टाइप करो, मिल जाएगा आपको पिरामिड वैली, उसका पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। वो नियर व्हाइट फील्ड में वो हाँ व्हाइट होगा। फील्ड, नहीं पिरामिड, मैं टाइप करती हूँ, अच्छा नोट कर लो अभी, पिरामिड वैली पिरामिड इंटरनेशनल। अभी मैंने टाइप किया है पिरामिड वैली इंटरनेशनल, डाल देंगे तो विद एड्रेस यूट्यूब में आपको आ जाएगा, फोन नंबर्स में भी उसमें रहेगा, आप सीधा फोन करो, एड्रेस पूछ लो, वहां पे जाओ, पूरा पिरामिड अवेलेबल है। आप उनसे पूछो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए कौन सा टाइप वाला, कौन सा वाला मंगाना पड़ेगा मैडम? मतलब ये मेडिटेशन के लिए कौन सा आइटम और पिरामिड? कौन में हाँ आपको कौन पूबे टू पूबे कैप टू वाला, कैप पिरामिड्स, वाला। एक मिनट मैं बताती हूँ अभी। मैं दूसरे आईडी में आती हूँ, आईडी में आके मैं बताती हूँ, ठीक है? मैं फोन से एक आईडी में आके यहाँ पे जो मैं पिरामिड लटकाया हुआ है, मैं उसका पिक्चर दिखाती हूँ। फोन बच्चे बहुत अग्रेसिव रहते हैं मैम, मुझसे भी काम हो जाते हैं, क्या? बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं तो उससे भी काम हाँ लेते हैं। सभी तो उनके कहाँ पे बेड पे रखना चाहिए या रूम में ऐसे लटकाना चाहिए? जहाँ पे आप लोग बहुत देर कहाँ रहते हो, वहां पे लगाओ। ओके अरे स्टडी पर्पस से भी बेटर है। वैसे करना है। हाँ कोई मैम अंबाला में पिरामिड कैप कहाँ पे मिलेगी? है मैं हैंड रेस करती हूँ उसको, मैं हैंड रेस करती हूँ, देख लो आप लोग, ये है पिरामिड ऐसे लटका के, दिख रहा है ना? नहीं दिखा दे मेरा रहा नाम मैडम दिख रहा है, देखो अगर क्या? उसको पिन कर देते हो तो रुको, इसको पिन कर देती हूँ, आपको सब। नहीं दिखा
दिखाई दे रहा अभी, ये है पिरामिड, ऐसे लट कर उसके नीचे बैठ के आपको ध्यान करना है, ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दिया नहीं मैंने मैम, तो, दिखाई ही नहीं दिया। रुको, सारी पिक्चर वो आ रही है मैम, लाइट आ रही है बट पिरामिड अभी नहीं शो हो रहा। वो कौन सा क्वालिटी का है मैडम, उसको उसका नाम बता दीजिए, हो गया ना वो उसका इसका है ना, पिक्चर। ये है 2x2 साइज। 2x2? 2x2 साइज हाँ अभी दिखाई दे रहा सबको, नहीं तो 2x2 में मैम मैम वुड का भी मिलता है और उसका भी मिलता है, फाइबर का भी मिलता है, विच वन बेटर? तभी मिलता है आपके बजट, बजट के हिसाब से आप लोग खरीद लो, ठीक है? नहीं उन लोगों को भी ये इसके बारे में पूछने से उन लोगों को भी तो एक्सपीरियंस रहेगा ना मैडम, क्या सर, जो जो लोग लो उसको प्राइवेट को सेल करता है ना, वो प्रोडक्ट करता है ना, उन लोगों को भी तो इसके बारे में एक्सपीरियंस होगा ना। यस सबको एक्सपीरियंस है, पर वो सेल्स करते हैं तो अपनी अपने को जो सेल करवाना है उसी को सेल करते हैं। आपको क्या चाहिए वह पहले आप डिसाइड कर लो और वो चीज ले लीजिएगा। आप अच्छा जाइएगा, देखिएगा, आपको जो चीज आपके मन में अच्छा लगता है वो चीज लो। टू बाई टू वाला यस बोल दिया ना। हाँ, क्योंकि मैं सबको तो यही सजेस्ट करती हूँ, ये पहले का है, बाद में और बड़ा ले सकते। जब भी आप पहला का ले लेते हैं 2x2 ले लेना, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद को पता चलेगा आपको कितना बड़ा पिरामिड चाहिए। अगर आपका ओन हाउस हो तो आप खुद पिरामिड बना सकते हो, तो आपकी मर्जी, क्योंकि पिरामिड में इतने सारे ऊर्जा, इतने सारे भलाइयां हमको मिलते हैं। पहले इसको इस्तेमाल करने के बाद ही आपको पता चलेगा, जितना भी मैं बोलती हूँ ना आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इस्तेमाल करोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं ये चीज इस्तेमाल की थी कि हमारे वर्कशॉप में बड़ा सा पिरामिड बनवाया मैंने, 16x16 का पिरामिड का, हाँ, रूम बनवाया मैंने। फिर उस रूम बनाने के बाद बहुत सारे उन्नति हुआ, मेरा मेरा उन्नति हुआ, मेरा घर में बच्चे, मेरा पति, सबका उन्नति हुआ। मैम अम्बाला में कहाँ मिलेगा पिरामिड कहा कैप? मैम, अम्बाला में पिरामिड कैप? अम्बाला कौन सा सिटी में? हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में। मैडम अम्बाला सभी का हरियाणा। एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, मैं तो जो अच्छा नंबर देती हूँ आप उनको पूछो, उस नंबर मैम, में जो कॉल जो मेरे को मैम ने करो। एड्रेस दे रखा मैं सभी ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, आप जो भी मेरे पिरामिड वाले नंबर दिया उनको पूछो, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट है या नहीं पता नहीं है, जब आपके एक जगह पे ट्रांसपोर्ट है तो वो लोग भेज देंगे। अगर कोई पिरामिड मास्टर्स है तो आप पूछो, वो लोग मंगवा देंगे आपको, ठीक है? मैम पिरामिड तैयार करने का वीडियो डालेगा हमको, घर में तैयार करेगा मैडम? हम जब तैयार करते हैं ना तो एंगल थोड़ा बराबर नहीं होता है, हम तो इंडिया में, इंडिया में तो एकदम अच्छा मिल जाता है, तो आप खरीद ही लो, क्योंकि यस गोल्डन एंगल में थोड़ा सा भी फर्क हो तो उसमें एनर्जी का फर्क भी रहता है। वो यस बिल्कुल बराबर, अच्छी अच्छी अच्छे पिरामिड्स है ना, बहुत कम चीजों में मिल जाता है, कमी में, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, तो क्यों हम लोग मुश्किल लेना है, आपको बैठ के बनाना है, ये उस बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा पता नहीं, जब हमको मिलता है तो ले लो। यस यस मैम, हम आईटी करेगा। पहले एक खरीद लो, फिर उसको रख के आप ट्राई करो, कोई बात बिना पिरामिड के आप ट्राई करोगे तो एंगल बराबर ये नहीं है, किसको रख के आप कंपेयर करोगे, है ना? तो वैसे कंपेयर दिल्ली में तो करने 100 के पर लिए मैम यहाँ पे पिरामिड बराबर कुछ जो ये मिलता है सर, पिरामिड भी मिलता है वहाँ पे, एक एक्यूप्रेशर और पिरामिड ये सब सामान मिलता है। पहाड़गंज में ये एक शॉप है तो उसी पे मिलता है, पर उसका बराबर है या नहीं ये समझ समझ में नहीं आता, हमको नहीं, तो उसको जो कैसे एक जांच करेगा? बराबर बराबर पिरामिड मंगवा लो, फिर उसको रख के आप ट्राई करो, तभी आप कंपेयर भी कर करके
एंगल करेक्ट है या नहीं ओके ओके पता चल, ओके ठीक है। यस यस ठीक है और मास्टर्स कोई भी जो भी चीज़ है आपको मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस हेलो हाँ बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। मैं जबलपुर से एमपी से यतीश हाँ हाँ द्विवेदी हूँ सर। आप कैसे हैं? नमस्ते। मेरे पास पिरामिड है मैम। अच्छा पिरामिड कैप है, जी जी कैप है तो है, पर बड़ा सा पिरामिड रहना चाहिए। अभी 2x2 पिरामिड का मतलब पूरा मेरा शरीर उसके नीचे आ जाएगा। जी ये कितने तक का मिल जाएगा मैम? ये 2x2 का जैसे आपसे मंगवाते हैं। 2x2 का आपको 2000 3000 इतने अच्छा इतने अच्छा में मिल जाता है। प्लाईवुड ये किस चीज का का तो बना फिर होगा? 2000। हाँ प्लाईवुड, किस चीज का बना रहता है ये? प्लाईवुड। अच्छा प्लाईवुड, प्लाईवुड का बना रहता है। हाँ अगर जी आपको जी जी कॉपर में चाहिए तो ज्यादा रेट हो जाएगा। जी जी नहीं कापर में मेरे यहाँ बन जाता है। मैं जहाँ हूँ हाँ वहाँ हाँ एक हाँ परिवार है वो बनाता है यहाँ पर। अच्छा बाकायदा अच्छा मकान के अंदर भी क्यों बनाते हैं वो हाँ बन हाँ जाता है। जी हाउ जी टू हैंग पिरामिड। पिरामिड जस्ट पिरामिड का बहुत वेट तो नहीं रहता है। अगर जी ये जी है आपका वॉल का मतलब, ऐसे यहाँ पे एक हुक लगाओ, क्रॉस जी करो और पिरामिड को ऐसे लटकाओ, बस और कुछ नहीं। जी 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 नहीं मैं बना भी लेता हूँ मैम एक्चुअली। आप मैं बना लेते हो, जी ठीक है, वेरी गुड। जी 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 पेपर तो पिरामिड कैप को, वो कैप कैप जो है उसको रख के जी पूरा चारों तरफ आप लेंथी बना दो, बस वही एंगल है जी और कुछ नहीं। हाँ बस पेपर वही पिरामिड एंगल में आ तो मैम जाएगी। मिलता, जी पेपर इतना पिरामिड बड़ा तो चाहिए जैसे आप ये इतना है, बड़ा कर सकते हो। पेपर पिरामिड जी तो मैंने लिया था ये वाला इस टाइप का। हाँ हाँ जी और जी जी ये हाँ जी ये जी बट जी ये वुड वाला और होता है रहता पिरामिड तो अब मैं जब तो भी हैंग करते हो पिरामिड जी को हिलना नहीं है, वॉल जी सपोर्ट में रखना है। जब भी पिरामिड जी लटका देते हैं, पिरामिड ऐसे ऐसे हिलता है तो उसमें एनर्जीज का डिस्टर्ब होता है नहीं तो पिरामिड। मैम जो कैप होती है वो तो सिर में लगा सकते हैं अपन। हाँ कैप यस सिर में लगाते हैं तो बड़ा बड़ा पिरामिड जो है आपको वॉल जी सपोर्ट जी में लटकाना है। जी लेकिन सिर में भी लगाते हैं तो मैम कभी आगे जाता है सिर, कभी पीछे जाता है, ध्यान हाँ वो तो होता में है, जब उससे सेंस कुछ नहीं नहीं, होता है। हाँ उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं उससे। तो जी चलिए बड़ा आप पिरामिड। दोनों को, चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी थैंक यू मैं थैंक यू मास्टर साहब, आपको सभी को। यस यस कैप नॉट कवर्ड। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन रहेगा? मैम लगता है आपने सभी के सवालों का जवाब दे दिया। आपने थैंक यू इतने अच्छे मैम। से बताया है, हेलो इतने अच्छे से बताया है। यस किरण जी, मैम आप कोई बोलिए। आप बोल रहे हो क्या? जी, हाँ मैम हाँ हमें ये बोलिए। मेडिटेशन के इसमें डीपली जाना है, यानी सीखना है। तो हाँ उस जी दिन पूछा कि इसमें अगर PhD कर सके तो, क्योंकि मुझे तो इसी में करना है, तो हाँ इसको कैसे जाऊँ, यानी क्या क्या सीखना पड़ेगा मुझे इसके लिए? अच्छा अभी मेरा आप PhD है हाँ योगशास्त्र में, पीजी रहा है रामटेक के यसु से, तो हाँ पी के बाद में मैं इसमें जाना चाहती हूँ। बिहार में आपका PhD बराबर करना चाहते डिसीशन हैं लिया आपने। जी। और आप कहाँ रहते हो, आपका जी सिटी? महाराष्ट्र नागपुर, नागपुर। सो नागपुर नागपुर में कोई पिरामिड सेंटर है या ढूंढ के देखो, जो भी पिरामिड सेंटर में है, सेंटर आपके इस प्लेस में है, कब जब भी आपको टाइम है वहां पे जाना है। क्योंकि पिरामिड सेंटर का मतलब है यहाँ पे पूरा आके वहां पे ध्यान करते हैं, अपने आप को उन्नति के लिए करते हैं। क्योंकि वो पूरे पूरे वो चीज वहां पे एनर्जीज पावर्स वो सभी यहाँ पे रहते हैं। अब अगर हमारे ओके घर में देखो, हम 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते, उससे बाद कुछ नहीं। पर वहां पे जो भी सेंटर है 24 आवर्स इसी के लिए बना हुआ है। तो 24 आवर्स वही एनर्जी से वो पूरा दबा हुआ है, पूरा एनर्जी से डिप हुआ है। तो उस जगह में जाके आप तब अभ्यास करते हो, आपका उन्नति फास्ट है, ओके ठीक है? वैसे जाना है आपको।
बहुत सारे बड़े नहीं। पिरामिड्स है नॉर्थ इंडिया। अगर आप गूगल में जाके नॉर्थ इंडिया पिरामिड्स डालो, PSSM पिरामिड्स, आपको कैसे सर्च करना है, PSSM पिरामिड्स करके सर्च करो, आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मिल जाएगा। आपके ओके नजदीक या दूर कुछ बात नहीं है, आपको उन्नति चाहिए तो आपको जाना ही है। ओके PSSM अच्छा पिरामिड्स, PSSM पिरामिड्स इन नॉर्थ ठीक इंडिया, आपको नॉर्थ इंडिया का मतलब नियर नागपुर डाल दो तो आपको ओके मिल जाएगा। जिनका ओके भी जो भी प्लेस है वहां पे, नियर बाय दिल्ली, नियर बाय मुंबई, ऐसे डाल दो तो गूगल में ऐसे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली मैम मेरा पीजी करने का इसलिए सोच ये किया है क्योंकि 2001 में मेरी समाधि तक पूरी यानी चला गया था। उसके बाद में गैप होने के बाद में फिर मुझे अभी लग रहा है कि मैं फिर से उसी में जाऊं क्योंकि उसमें इतना सेटिस्फेक्शन यानी पूरा सब कुछ छोड़ दिया था, ऐसे ही था तो मुझे अच्छा लगा था उस टाइम, लेकिन वो कुछ कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा। फिर से मैं उसी में जाने के लिए मैं पीजी कर रही हूँ। देखो संसार और निर्वाण दोनों रहना चाहिए 50-50। अगर आप पूरा संसार को छोड़ के निर्वाण में जाते हैं तो फिर संसार के लिए दूसरे जन्म लेना पड़ेगा। तभी बैलेंस रहना चाहिए, संसार और निर्वाण बैलेंस, तभी आपको मुक्ति, जो भी चीज आपको स्किप करते हो उसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक जी है जी लेना है लेकिन आपको अच्छा लगे या ना लगे बैलेंस तो रहना है। जी यस अभी मैं ही घर में पूरा मैम काम करती हूँ, मेरे पति को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, यहाँ पे क्लास भी लेती हूँ। सो बैलेंस बैलेंस रहना चाहिए। जब भी ये जो बैलेंस नीचे जाता है एक ऊपर और जाता है। इतनी एनर्जेटिक लग रहे हो मैम अभी भी आप, और लग रहे हैं 20 साल। आपने बोला कि 20 साल 20 ईयर से मैं ध्यान करा रहे हैं, अभी आपका एज ही 20 ईयर लगता है। थैंक यू। अभी मेरा 22 इयर्स की बेटी है आपका इतना ही लगता है ऐसे फेस, भाई फेस ऐसे ही लगता है आपका ही, कोई थैंक यू जी, थैंक यू। सभी फेस रीड करके बोल नहीं सकता। जब भी आप प्योर रहते हो आपका एजिंग नहीं होता है, आप प्योरिटी के साथ यस है। अब जी हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा मैम, क्योंकि हम तो ओल्ड एज की तरफ जा ही रहे नहीं, हैं, चले ही आपका गए हैं एज समझ रिवर्स होता है सुमित्रा जी, आप में। ऐसे मत सोचो, आपका एज रिवर्स हो जाएगा। आप प्योर से ओके रहो, भाई आप इतना ओके बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं क्योंकि बहुत एज के बाद वो लोग आते हैं, फिर ध्यान में आते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सभी चीज बराबर करते हैं, उनका एज रिवर्स हो रहा है। बहुत सारे ध्यान के पहले फोटो और ध्यान के बाद के फोटो देखते हैं तो उससे पहले अभी यंग लगते हैं सब लोग, बहुत सारे हैं ऐसे। अभी तो बनना पड़ेगा मैं। आप सभी बराबर करो, आपका इट्स एज नेक्स्ट ईयर में आप यंग हो जाओगे। ओके मैम थैंक यू। आपकी मैं आपकी एज कितनी है और आप कितने साल से कर रहे हो? पूछते आप गेस नहीं, करो लेडीज से उम्र नहीं क्या पूछते। बोलते हैं मैम जैसा आपने बताया 22 इयर्स ओल्ड आपकी बेटी है तो उस हिसाब से तो आप 40s तक होंगे, लेकिन लगते नहीं हो आप। वही हमने थैंक बोला ना, 20 का तो अभी लग रहे हैं आप। वही तो एजिंग का मतलब क्या है, हम अपने शरीर और बुद्धि को कितना प्रेशर देते हैं उतना एजिंग होता है। मैं शरीर और बुद्धि सभी को सभी मैं एंजॉय करती हूँ हर वक्त, मेरे शरीर और दिमाग में कोई जोर नहीं है तो यंग ही रहेगा ना। यस मैम भाई राइट। हम क्या करते आपकी हैं हाँ, पैसा आपकी कमाने के हंसी भी लिए। बहुत सुंदर है मैम, आपकी हाँ हंसी भी बहुत सुंदर हाँ थैंक यू सब लोग है ना पैसों के पीछे पीछे दौड़ के अपने शरीर के बारे में, मन के बारे में कभी सोचते नहीं है। सभी को चाहिए राइट। पैसा। यस मैम ये तो ठीक कहा आपने। हाँ फिर पैसा पूरा कमाने के बाद क्या होता है, आप सुस्त हो जाते हैं, फिर वो पैसा से भी आपका सुस्त नहीं जाता है। क्या ये बात तो है,
के पीछे दौड़ के। मैम उनको ध्यान करते हुए कितना टाइम गया? 20 इयर्स। 20 इयर्स? हाँ आपने शादी से पहले शुरू किया था या बाद में? नहीं, शादी के बाद। अभी मेरा एज है 46। ओ मैम लग दे रही हो बहुत तो होगा मैडम। अभी। मेरा लड़की 22 इयर्स के, लड़का 17 इयर्स का। दो बच्चे मेरा। वाह मैम, तुमको मैम 20 इयर्स यार बनेगा। यार यस। अभी तो यहाँ पे नहीं दिखा, थोड़ा साड़ी पहनूंगी कॉम्प्लीमेंट। तो बड़ी लगूंगी, ड्रेस में ऐसे ही मैम लगूंगी। सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स यू हैव। यस यस। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा सा बैग रख लो कॉम्प्लीमेंट्स रखने के लिए। मैम ध्यान करे को दर क्लीन करे को पीपल्स आएगा। क्या क्या पूछ रहे हो? घर घर क्लीन करे को हाँ। घर क्लीन कर को पीपल आएगा। मन ध्यान कर को मन क्लीन होगा। हाँ। धोनी दर और मन शरीर क्लीन करे को परमात्मा आएगा। परमात्मा यस आएगा नहीं, परमात्मा अंदर है। तो देखिएगा। परमात्मा क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, डस्ट डस्ट है। अभी अभी हाँ पिक्चर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्लीन करूंगी, ये पड़ता डस्ट निकाल दूंगी तो अंदर का पिक्चर चश्मा दिखाई क्लियर देगा। नहीं है। नहीं, हमारा बुराइया को हमको क्लीन करना है। वो बुराई क्लीन करने का ही ध्यान है। जब हम बुराई क्लीन करते हैं, अंदर का भगवान दिख जाता है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान अंदर ही है। हम लोग सारे चीज डस्ट को निकाल देते हैं तो भगवान दिखाई देता। इसी यस को बोलते हैं प्यूरिटी, अच्छा स्वच्छता। कर अपने अंदर जो स्वच्छता है, कहीं गया घूमा नहीं, अंदर अंदर ही स्वच्छता है। उस स्वच्छता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारा हरिषड वर्ग बोलते हैं, काम क्रोध मोह काम को मदन लोभ, वो सभी मास्टर। ढका हुआ है। उन सबको निकालो, आपके अंदर का स्वच्छता बाहर निकले, भगवान दिखाई देगा। यस ठीक है जी, मैम और कुछ? आपको कुछ और कहना है? कुछ नहीं, सोनिया शर्मा जी ने हाथ ठीक है। रेसिपी उसके बोली। लिए जैसे एक्सरसाइज है कि अंदर के लिए ध्यान ही एक्सरसाइज है, जो अंदर हाँ के अंदर तक ले जाती है। यस यस यस। जी मैम। सोनिया जी मैम ये बोलिए। फिजिकल बॉडी का जो भूख होता है ये खाना होता है, और मेंटल का जो दिमाग का वो है होता है, हमारी आत्मा की भूख जो होती है वो ध्यान है। आत्मा के लिए जो खाना है वो ध्यान है। यस यस। इस प्रोग्राम में जो आधा घंटा ध्यान है वो बस नहीं है। अभी आप सब लोग 1 घंटा ध्यान करके बाद में सोइए। यस यस। थैंक यू। थैंक यू ओके मैम। तो एंड कर अभी लेते आज हैं। बाय बाय, आपकी सबको शुभ बाय रात्रि। बाय। या सभी को शुभ रात्रि। बाय सभी को धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू थैंक मैम यू। इतना इंतजार करने के लिए, इतना धैर्य रखने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू थैंक मैम। यू। यस यस शुभ रात्रि सभी को।